subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज़ सुमेरा. सो बम्सी का आज पहला फर्स्ट वॉश है जो उसको हमें देना था. सो मुझे एक्सपीरियंस बताना था आप लोगों को कि कैसा रहेगा, क्योंकि बंगाल कैट है, थोड़ा सा मतलब हाइपर एक्टिव किटन्स रहते हैं, ये बिल्कुल भी ग्रूम नहीं करवाते हैं खुद को. सो ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बम्सी का ग्रूमिंग हम लोगों ने किया है, तो आज पूरा वीडियो उसी के ऊपर है. पहले मैंने इसके नेल्स ट्रिम कर लिए थे क्योंकि बहुत शार्प है. अब मैं तो वैसे फिलहाल तो करती नहीं हूँ, जब तक ये कैच मेरे या किटन्स 3 मंथ्स ओल्ड के नहीं होते हैं तब तक मैं उनके नेल्स ट्रिम नहीं करती हूँ, बिकॉज़ वही ग्रिप होता है उनके लर्निंग स्टेज का, और वो ग्रिप नहीं रहने की वजह से वो बहुत ज़्यादा गिरते हैं. सो इससे बेटर है कि मैंने उसको अभी फर्स्ट वॉश है तो नेल्स ट्रिम करना बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज़ वो नहाने के टाइम पर मुझे काफ़ी चोटें लग सकती थी. सो मैंने उसके पूरे नेल्स ट्रिम किए एंड फिर उसको धीरे से मैं नहलाने के लिए लेके जाऊंगी, क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं बताना है और उसको बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं रहना है कि हम उसके साथ क्या करने वाले हैं. सो आज का हमारा चलो वीडियो शुरू करते हैं. तो ये फाइनली उसके पूरे नेल स्टम हो गए हैं अब, एंड ईयर्स तो ज़्यादा गंदे नहीं थे बिकॉज मैं करती रहती हूँ, बट नेल्स वगैरह मैंने नहीं किया था. तो मैं यही देख रही हूँ कि अब ये क्या करेगा. सो फाइनली पूरे नेल स्टेम हो गए, अब हम इसे टब में डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस में ना आए हैं और ये भागे ना. तो हमें ल्यूकोम वाटर यूज़ करना है, फर्स्ट वॉश है. अगर आपके पास हैवी ड्रायर है तो आप ज़्यादा नहीं नॉर्मल वाटर यूज़ कर सकते हैं, बट अगर घर में नॉर्मल ड्रायर है तो आप ल्यूकोम वाटर यूज़ कीजिए. सो अब धीरे धीरे करके हम इस पर डालेंगे. वैसे तो उसको बंगाल कैट्स को सबसे ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा पसंद होता है, वो उनका बस चले तो वो पानी में ही बैठे रहे. सो इसका फर्स्ट वॉश है तो थोड़ा सा इसकी एक्टिविटी जो है वो भी नॉर्मल लग रही है. पानी इनको वाकई में बहुत पसंद होता है, एंड जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है बहुत ही प्यार से अच्छे से वो अपने ऊपर डलवा रहा है पानी को. एंड इसी तरीके से मैं उसको पूरा अच्छे से गीला कर दूंगी, उसको थोड़ा सा इजी होने दूंगी पानी के अंदर. फेस हमें शुरू में स्टार्ट नहीं करना है, हमें पूरी बॉडी पहले क्लीन करना है. फेस हमारा सबसे लास्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि फेस पे एकदम नहीं हमें शैम्पू डालना है. मैंने पिंक पॉपल का यूज़ किया है शैम्पू, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट शैम्पू है फॉर बंगाल कैट्स, जो कोट को एकदम शाइन दे देता है. एंड हम धीरे धीरे करके इसको अब अच्छे से इसको मसाज करेंगे. क्योंकि अगर मैं इसको टब के अंदर ऐसे मसाज करती तो ये बिल्कुल भी नहीं ठहरता, इसके पैर स्लिप होते, इस वजह से मैंने इसको हाथ में मसाज किया है दिया है. आप देखिए ये डरा पानी से नहीं, शैम्पू के वजह से पैर जो स्लिप होते उनके वजह से कैट्स डरती है, किटन्स डरते हैं, बट हमें ध्यान रखना है फर्स्ट वॉश में हमें हमेशा ध्यान रखना है किटन को कहीं भी चोट ना लगे. बहुत ही प्यार से कीजिए. अगर आपके पास कोई भी प्रोफेशनल ग्रूमर अवेलेबल है तो आप उनके पास जाके करवाइए, घर में ना कीजिए, क्योंकि फ़र्स्ट वॉश होता है बहुत ही अच्छे से और इजी तरीके से हमें करना रहता है, क्योंकि पहले में ही अगर बच्चा डर जाएगा तो वो कभी ग्रूम नहीं कराएगा अपने आप को. एंड कुछ इस तरीके से हमें इसको पूरी बॉडी पर मसाज दे देना है, एंड फिर हम इसे धीरे धीरे करके आप क्लीन कर लेंगे. पानी अभी भी वॉर्म है इस वजह से इजी है. आप एक आसान तरीका ये कर सकते हैं, आप टब के ऊपर पहले टॉवल डाल दीजिए, फिर उसके ऊपर किटन को प्लेस कीजिए. सो वो अच्छे से नहा लेगा, कंफर्टेबल रहेगा उसके लिए वो चीज़. अब हम धीरे धीरे करके बॉडी क्लीन करेंगे. अब जो नीचे का पानी गंदा हो गया है हम उसे फेंक देंगे, बस ऊपर का बॉडी क्लीन करके, और फिर हम अच्छे से इसको प्रॉपरली बाथ दे देंगे.
सो फाइनली शॉर्ट हेयर कैट्स को नहलाना बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि बहुत जल्दी ही क्लीन हो जाते हैं, वो ड्राई भी जल्दी हो जाते हैं, हमें इतना हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं करना रहता है और बहुत ही ईजी ग्रूमिंग है इन लोगों की। सो अब पूरा कैट हमारा पूरा किटन ग्रूम हो चुका है, अब हम इसे ड्राई करेंगे। देखिए शैम्पू पूरा बॉडी से निकल चुका है। सो ये शॉर्ट हेयर का बेस्ट पार्ट रहता है कि वो फटफट ग्रूम हो जाते हैं कंपेरेटिवली टू लॉन्ग हेयर कैट्स। अब हम इसे अच्छे से टॉवल ड्राई करेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है और धीरे धीरे करके इसको ड्राई करना है। वैसे तो ये टॉवल ड्राई करने से ही पूरा ड्राई हो गया है बट स्टिल हमें ब्लोअर इसको दिखाना ज़रूरी है क्योंकि हमें नेक्स्ट वॉश भी लगेगा, तो नेक्स्ट वॉश में इसको ईजी करने के लिए हमें इसको ड्रायर बताना ज़रूरी है। बट ये ड्रायर की आवाज़ सुनते से ही भाग रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है इसको यूज़ टू करवाना ड्रायर को ड्रायर से, एंड बिल्कुल ये सेंस करते ही भाग जा रहा है ड्रायर को। ही मैम जी, बिल्कुल भी ये बैठ नहीं रहा है। मैंने बहुत कोशिश कर ली ड्रायर दिखाने की करने की बट ये यूज़ टू नहीं हो रहा है, तो हमें अब हमारा सबसे बड़ा टास्क यही रहेगा कि हमें इसको ड्रायर से यूज़ टू करवाना है। वैसे तो पूरा ड्राई हो चुका है बट थोड़ा बहुत भी जो बचा है मैं चाहती हूँ कि वो हो जाए, थोड़ा वार्म रहेगा बट नहीं, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। एंड वो ड्रायर से बहुत ज़्यादा डर रहा है। सो कुछ इस तरीके से हमको उसको यूज़ टू करवाना है। ये फर्स्ट टाइम है अभी उसका, पर वो यूज़ टू नहीं हो रहा है। एंड फाइनली द लास्ट प्रोसीजर, हमें उसको ट्रीट बिल्कुल भी प्रोवाइड करनी है क्योंकि वो ऐसे में ही अपने पे ट्रस्ट करेगा, अदरवाइज ट्रस्ट नहीं करेगा। सो ये बमजी का फर्स्ट वॉश था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसके वीडियोस अगर आप लोगों को देखने हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरा यूज़र आईडी है कैट्स बे कैट्स। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, कीप लविंग कीप फॉलोइंग, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग।